पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। ओआईसी ने सुषमा स्वराज को मेहमान बनाया, मौकफ फिर भी पाकिस्तान का अपनाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाजा जम्मू कश्मीर है। भारतीय वजीर खारजा की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को ओआईसी आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन का रुकन भी मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ओआईसी के अगले इजलास का मेजबान होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से गुफ्तगु। कहा, ओआईसी इजलास में कश्मीर पर करारदाद की मंजूरी पर खुशी है। करारदादें पाइपलाइन में थी। हमारा बायकॉट ओआईसी से नहीं, सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर एतराज था। सऊदी वजीर खारजा जब मर्जी पाकिस्तान आए, उनका अपना घर है। भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका है, कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। इम्तियाजी स्लूक डाउन फॉल की बड़ी वजह है। अफसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। अफसर पुरतोश जिंदगी गुजारते हैं, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान। बढ़ती खुदकुशियां और नफरी की कमी भी अहम वजूहात। बरतानवी मीडिया की तहकीकती रिपोर्ट। राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आजम साहब आपने कोई शर्मो हया है, आपने 30,000 करोड़ चुराए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए। राफेल तैयारों की ताखीर के जिम्मेदार भी आप हैं। आप जैसे लोगों के बायस अभिनंदन जैसे पायलट फरसुदा तैयारे चलाने पर मजबूर हैं। खैर सगाली के जवाब में भारतीय गोलाबारी, दो फौजियों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय फौज ने नकियाल, तत्तापानी और जंदरूट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिले जहन्नुम, 32 जख्मी हुए। तैयारा हो F-16, पायलट हो पाकिस्तानी शाहीन, मार गिराना अभिनंदनों के बस में नहीं। आलमी दिफाई माहिरीन और रिसर्चर्स ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे सफेद झूठ करार दे दिए। आलमी दिफाई माहिरीन ने हकायक से साबित कर दिया कि मलबा भारतीय तैयारे MiG-21 का है। दिफाई वतन के मुकद्दस फरीजे में शहीद होने वाले 2 नौजवानों के जस्ते खाकी आबाई इलाके पहुंचा दिए गए। डेरा गाजी खान पहुंचने पर शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम अली के जस्ते खाकी पर गुलपाशी की गई। अहले इलाका की पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दोनों शहदा की नमाज जनाजा आज सपहर 3 बजे अदा की जाएगी। भारत की एहसान फरामोशी, बदले में शरंगेजी और जफाकुशी। बमबारी के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया, गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकरुल्लाह का जज्बे खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जज्बे खाकी सियालकोट में अबाई गांव मुंतकिल। नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। कुशीदगी के खात्मे में रुकावट, भारतीय हर धर्मी। सऊदी अरब को अभी अपनी कोशिशों में नाकामी। सऊदी वजीर ममलिकत खारजा उमूर का भारत और पाकिस्तान का दौरा मुलतवी, दौरा 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल नहीं। रूस में भारतीय सफीर का इंटरव्यू, कहा अभी तक किसी मुल्क ने सालसी की पेशकश नहीं की है। रूस या किसी दूसरे मुल्क की सालसी की जरूरत भी नहीं। सूरत हाल पहले ही तेजी से मुस्तहकम हो रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान की जीत।
पाकिस्तान भारतीयों को इतलात फराहम कर रहा है। साबिक भारतीय जनरल का इतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पननांग का कहना है कि भारतीय तर्जुमान नहीं बताते कि क्या हो रहा है। सूरत हाल का पाकिस्तानी DGISPR से पता चलता है। कारगिल जंग में हलाक भारतीय मेजर की बेटी ने जंगी जनून में मुब्तला मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीक्षा देवदी कहती हैं, किसी को अंदाजा नहीं कि जंग पर गए सिपाही के अहलखाना पर क्या गुजरती है। दुआ कर रही हूं भारतीय हुक्मरान होश के नाहुन लें, हमें इश्तियाल की बजाय अमनो इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। फेसबुक वॉरियर्स प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो, इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा, जंग किसी के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाए तो पता चले। मजीद बोली कि उसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। भारत की खिफत मचाने की कोशिशें, अभिनंदन की वीडियो हटाने के लिए YouTube इंतजामिया से गुजारिशें। वीडियोस में भारतीय पायलट ने खूब की पाक फौज की तारीफें। भारत को दुनिया में उठाना पड़ रही है शर्मिंदगी की तकलीफें। फ्रांस में पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का एहतजाज 16वें हफ्ते में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों से 9 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेरिस में सिर्फ 1300 लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का आज़्म। गुलबर्ग लाहौर में नैब का तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के दफ्तर पर छापा। कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी शामिल। अलीम खान के करीबी अजीज भी शामिल तफ्तीश। अलीम खान ने नुमैर हमीद खान के अकाउंट के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। सिराज दुरानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और अमाराती दरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती। कराची की हिजरत कॉलोनी में फायरिंग, पुलिस अहलकार जां बहक। पुलिस अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस था, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस अहलकार की जहांगीर के नाम से शिनाख्त। मकतूल जहांगीर सिविल लाइन थाने में तायुनात था। उधर मलीर कैंट सोहराब गोट राशिदी गोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की चेकिंग। कराची में निमरा पुलिस अहलकारों की गोली का निशाना बनी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट ताहाल मंजरेआम पर ना आ सकी। हमने रिक्शे में सवार लड़की को देखा ना ही लूटा। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम ने पुलिस बयान का भांडा फोड़ दिया। फायरिंग करने वाले अहलकारों को क्या सजा दी जाए, फैसला ना हो सका। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा समेत कई इलाके मुतासर। किला अब्दुल्ला, बरनाई, तम, तरबत, हब, मस्तूम, बोलान में सैलाबी रेले। कई सड़कें, पुल और गाड़ियां बह गईं। कई मकान भी मुनहदम हो गए। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 3 अफराद जान बहक, कई जख्मी हुए। पशीन में एक शख्स रेले में डूब गया। शुमाली वजीरिस्तान में भी छत गिर गई, 3 बच्चे जान बहक। और
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश। बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में मार्च में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। गिलियाद, सवात, दीरबाला में भी बर्फ गिरी।